बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि गुरु जी अपने घर पर हमें कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए और किस मंत्र की क्या महिमा होती है। हमारे बहुत से भाई, हमारी बहनें, माताओं के भी प्रश्न आते हैं कि पंडित जी अगर हम अपने घर पर स्वयं से कोई मंत्र बोलना चाहते हैं या अगर हम कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं डेली रूटीन से, तो हमारे लिए कौन सा मंत्र अच्छा रहता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने घर पर आपको खुद से किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और किस मंत्र की क्या महिमा होती है। नमस्कार, मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए एपिसोड बनाते हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है जानकारी देखने के बाद शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि जो भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जो एपिसोड हम बनाते हैं उन्हें पसंद आते हैं, तभी हमें मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। प्यारे बंधु जनों, हर मनुष्य चाहता है कि वह अपने घर पर सुबह के समय, शाम के समय थोड़ा भजन करे, क्योंकि कहा गया है जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकाल बंदे प्रेम कर ले श्री राम से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी ही सुंदर रचना से इसको प्रमाणित किया है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। अर्थात एक घड़ी हर मनुष्य को अपने घर में भजन जरूर करना चाहिए। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम को। लेकिन अगर इतना समय नहीं है तो तुलसीदास जी ने कहा है एक घड़ी आधी, अर्थात आधी घड़ी सुबह आधी घड़ी शाम को, यानी कि 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम को। अगर इतना भी समय नहीं है तो एक घड़ी आधी आधी से पुनियाद, यानी कि 12 मिनट से भी आधा, 6 मिनट सुबह 6 मिनट शाम को, इतना समय तो हर व्यक्ति को भगवान के पूजा पाठ में डेली रूप में देना चाहिए। क्योंकि अगर इतना भी समय नहीं है तो आप भगवान से क्या पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि काम इसी तरह चलते रहेंगे जब तक जिंदगी है, फुर्सत नहीं मिलेगी काम से। जब तक है जिंदगी कुछ वक्त ऐसा निकाल प्रेम कर ले श्री राम से। प्यारे बंधु जनों, सबसे पहला जो मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सनातन धर्म में सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा प्रभावी कोई मंत्र अगर कहा गया है तो गायत्री मंत्र। अगर आप गायत्री मंत्र का डेली जाप करते हैं तो आपको बल मिलता है, आपका तेज बढ़ता है, नेगेटिविटी आपसे दूर होती है। और जो लोग डेली रूटीन में अपने घर पर दो माला सुबह दो माला शाम को गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वो व्यक्ति संसार में अपना बहुत नाम कमाते हैं। दूसरा मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय। जी हाँ, अगर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का डेली रूटीन में जाप करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता है। अगर आपके शरीर पर बार बार रोग लगता है, अगर आप स्वास्थ्य से ठीक नहीं रहते या परिवार में जो है रोग
बीमारी आती रहती है तो आपके लिए तो यह मंत्र और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओम नमः शिवाय, कम से कम दो माला सुबह में, दो माला शाम में अगर आप इसका जाप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपको एक अच्छी आयु की प्राप्ति होती है, तमाम शारीरिक रोग आपसे दूर रहते हैं। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र। इसकी महिमा आप सभी को पता है कि द्वादशाक्षर मंत्र क्या कर सकता है, इसमें कितनी शक्ति है। प्यारे बंधुजनों, द्वादशाक्षर मंत्र का जो भी लोग जाप करते हैं वो लोग बहुत बहुत भाग्यशाली होते हैं और नारायण विष्णु भगवान की साक्षात कृपा उन्हें प्राप्त होती है। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने से आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। आपका कोई भी रुका हुआ कार्य है, संसार में कोई भी परेशानी आपको लग रही है, कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, आपकी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही है, आप डेली रूटीन में दो माला सुबह में, दो माला शाम में द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना शुरू कर दें। संसार की कोई भी बुरी चीज आपके आसपास भी नहीं फटक सकती। अगला मंत्र है ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् प्रेत्योर्मोक्षीयमाम्रता। जी हाँ, मृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मंत्र का जो लोग हर रोज जाप करते हैं उनकी जन्म कुंडली में चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी पीड़ा क्यों ना हो, उनके कोई भी ग्रह कोई कितना ही खराब रिजल्ट क्यों ना दे रहा हो, अगर जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो डेली रूटीन से मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मृत्युंजय का मतलब है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। अगर आपको कोई ऐसा रोग है जो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, आपको कोई असाध्य रोग है, अगर आप उससे निवृत्ति पाना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला से डेली रूटीन में दो माला सुबह, दो माला शाम को मृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। देखते ही देखते आपका जो रोग है वो चुटकियों में समाप्त होना शुरू हो जाएगा। प्यारे बंधुजनों, मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से शंकर भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और जातक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अगला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे नमः। देवी भगवती का यह मंत्र सभी बुरी चीजों को आपसे दूर करता है, आपके शत्रुओं का दमन करता है, संसार में सर्वत्र आपकी विजय करता है। इस मंत्र का जाप करने से देवी भगवती आपकी कुल देवी प्रसन्न होती है और हमेशा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। संसार में जहां पर भी आप जाओगे वहीं पर आपको मान पद प्रतिष्ठा यश की प्राप्ति होती है। जय माता की।